शैतान इसमें इसका मालिक बन करके बैठा है, इसमें स्वामित्वपने का व्यवहार, स्वामित्वपने का मालिक बन करके बैठा है ना, जिस प्रकार से वो कोर्ट की कचहरी के धक्के खाता है, इसी प्रकार से अज्ञानी जीव इसका स्वामी बन करके नरक निगोदे केंद्र विकलत्रे के धक्के खा रहा है। श्रीमद जी ने तो वहां तक कहा, हमारे पास ये देह है, हमें याद करना पड़ता है। तब तो ये चौथे गुणस्थान वाले की बात है, सम्यक दृष्टि की, मुनिराज की बात तो बहुत आगे की बात है। हमें गुजराती में बोलता हूं थोड़ा, अमे देहधारी छिए के केम ते माड संभारिये त्यारे जानिए सीए, समझाइयो कहीं। अमे देहधारी छिए, हमारे पास में ये देह है, ते माड, हमें याद करना पड़ता है तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास में ये देह है। आप सबने चित्र तो देखा होगा, श्रीमद जी का फेमस है ना, प्रसिद्ध, कौन सा चित्र देखा है, ऐसा देखा है ना, बिना एक्सरे पसली गिनी जा सके, ऐसे एक्सरे है ना, 33 इयर्स की, 33 साल की, 16 साल के जब थे ना उस वक्त उनकी फोटो देखे ना, तो जैसे राजा के कुंवर हो, ऐसे थे, राजकुंवर जैसे। लेकिन वो आपने सुना भी होगा, किसी ने पूछा ना कि आपकी देह की स्थिति, कि मेरे पास दो बगीचे हैं, उसमें से एक बगीचे को मैं पानी देता हूं और दूसरे बगीचे का मैं ध्यान नहीं रखता हूं, ये देह वाला बगीचा है ना, इसका मैं ध्यान नहीं रखता हूं, ये आत्मा रूपी चैतन्य का बगीचा है ना, हाँ, उसका मैं ध्यान रखता हूं, तो इसमें तो दिन प्रतिदिन शुद्धि की वृद्धि होती है, उसमें तो खिलावट होती है, असंकुचित विकास सत्व शक्ति कही ना, संकोच बिना विकास होवे, हमें तो जिसमें ये असंकुचित विकास सत्व शक्ति ऐसा धारक भगवान आत्मा है ना, हमें तो उसकी 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 ओर झुके हुए, बाकी देह की तो जिस समय जो स्थिति होने वाली है वो होने वाली है, उसको कौन रख सकता है। तो लिपिड प्रोफाइल कराए, बॉडी प्रोफाइल कराए, 4-4 महीने, 6-6 महीने करा, कुछ भी करा, एक कागज देख करके खुश हो जाता है ना, रिपोर्ट आता है ना कि कोलेस्ट्रॉल ओके, बीपी ओके, नॉर्मल, डायबिटीज ओके, तो कागज देख के खुश हो जाता है। लेकिन तुझे मालूम नहीं है ना, जब तूने ये रिपोर्ट आया ना, देख के खुश होता है, उसके बाद में तुरंत ये कर्म के परमाणु प्रति समय, जो समय प्रबद्ध कहा ना, कर्म परमाणु खिल जाते हैं अनंत, और दूसरे समय में अनंत आ जाते हैं, तब जब तेरे परमाणु की रिपोर्ट ली ना, उस वक्त सब ओके था, कैंसर वाले परमाणु नहीं आए थे, और रिपोर्ट देखता है लेकिन वो अच्छे वाले खिल गए और कैंसर वाले परमाणु तुरंत आ गए। अब तू तो 6 महीने बाद में फिर से चेकअप कराने वाला है, तो 6 महीने के बाद में तो दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज वाला कैंसर देखने को मिलेगा, तू क्या ध्यान रखेगा, रख भी नहीं सकता है। 5,68,99,584 रोग लिखे हैं और डॉक्टरों का विषय नहीं है, नहीं ढूंढ पाएंगे वो लोग। ये द्रव्यमन यहां हम कह रहे हैं ना, ये हार्ट को बाहर निकालते चेक करते द्रव्यमन, बताओ आपकी मशीन में नहीं आएगा। ये 2G 3G कौन सा जी चलता है भाई, अभी 4G, 4G में आएगा ये सब, बोलो, ये लंबा महामच्छ है वो 4G में आएगा, गूगल में आएगा, KG में आएगा, जैन शासन में तो KG चलता है, 2G 3G 4G नहीं, KG माने केवल ज्ञान का के और ज्ञान का जी, यहां तो KG चलता है, बात समझ में आती है। भगवान के एक समय की ज्ञान की पर्याय में पूरा लोका लोक झलकाना, जाने एक काल प्रगट केवली, ऐसा है प्रसन्न संवेद अनुकंपा और आस्तिक कहाना, कैसा हो सकता है, इतने पुत्र हो सकते हैं, इतने लंबे महामच्छ हो सकता है, आस्तिक के गुण बताए, सम्यक्त्व में होने में पहले और बाद में भी ये होना चाहिए, भगवान की वाणी है, वीतराग और सर्वज्ञ के ओम ध्वनि में आई हुई बात है, ये साधारण बात नहीं है, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते हैं ना, भाग्यशाली होय एना कान्या वाते पड़े से, इसके पल्ले में पुण्य तो चाहिए ना, भाग्य नहीं हो तो नहीं सुनने को मिलेगा। तो सुनो जरा ध्यान से, 2 मिनट में पूरा भी करते, अपना समय भी हुआ है, 2-4 मिनट में पूरा भी करते हैं। सम्यक्त्व की वैल्यू, सम्यक दर्शन कहता है, एक दफे तू मुझे अंगीकार तो कर, और कैसे अंगीकार किया, तो यहां बताया 47 गाथा में, एक कारण शुद्ध परमात्मा का स्वीकार कर,
तो क्या होगा? तो सुनो, ये मिथ्यात्व के फल में पंच परावर्तन का रोटेशन अनादिकाल से जीव चल रहा है, और ज्यों ही सम्यक तो हुआ ना, समझना, पांच परावर्तन में से साढ़े चार परावर्तन में तो चौकड़ी लग जाती है। लास्ट वाला कौन सा है? भाव परावर्तन, फिर भव परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर क्षेत्र द्रव्य, फिर क्षेत्र परावर्तन। ये चार परावर्तन कंप्लीट नहीं होंगे, और पहला वाला एक पुद्गल परावर्तन जो है ना, वो पुद्गल परावर्तन भी आधा, इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन होने के बाद में उत्कृष्ट संसार में घूमने का काल कितना बताया? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, बोलो, किंचित न्यून अर्ध अर्ध पुद्गल परावर्तन। सोचो, करणानुयोग के हिसाब से बता रहे हैं अपन अभी ये सम्यक दर्शन की वैल्यू। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन में, वो भी उत्कृष्ट। और सुनो, कोई कहे छूट जाए तो सम्य, अरे छूट जाए तो भी छूट गया, मिथ्या दृष्टि नरक निगोद में चला गया, कोई बात नहीं, तो भी फिर से सम्यक तो अंगीकार करके वो गारंटी से मोक्ष में चला जाएगा। चारित्र के दोष में इतनी ताकत नहीं है अब कि किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल संसार में रुलाए, वो ताकत नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने कई सालों तक जो फोकस किया वो सम्यक दर्शन को फोकस किया। और मैं आपसे एक बड़ी बढ़िया बात बताऊं, सुनना जरा भाई साहब, कि समय सार परमागम में ये तो छठवें सातवें गुणस्थान में झूले झूला झूलना झूलने वाले वितरागी संत, उन्होंने भी समय सार के हरेक अधिकार में महिमा बताई ना, तो सम्यक दर्शन को फोकस किया। सम्यक दर्शन मैं आपसे बता, अभी कल ही अपने पूजन में चला था ना, चेतन चेतन द्रव्य नोपभोग इंद्रियो वड़े जे जे करे सुदृष्टि ते सौ निर्जरा कारण बने। सम्यक दृष्टि जीव, अब ये मुनिराज लिख रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य टीका कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन द्रव्य का भोग वो उपभोग करते हैं, 96,000 रानी का भोग करते हैं, नीलांजना का नृत्य देखते हैं, उस वक्त तक संवर निद्रा हो रही है उनको, मोक्ष मार्ग है, भगवान के लघु नंदन उस वक्त है, वो परिणाम से नहीं, लेकिन उस वक्त उनको ज्ञान धारा चल रही है, ज्ञान धारा चालू है, मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है ना, मोक्ष मार्ग वाली संवर निद्रा है वहां। तो वो काय का बल है, तो सम्यक दर्शन को हरेक अधिकार में, आश्रम अधिकार में भी बताया, वहां लिखा गया सम्यक दृष्टि जीव को, वहां लिखा सम्यक दृष्टि जीव को मोह राग द्वेष नहीं होते हैं, और जिस जीव को मोह राग द्वेष होते हैं उसको सम्यक तो नहीं होता है। बोलो भाई, निखिल भाई समझाई से, हाँ, एक एक अधिकार में आप उठा के देखो। मैं तो ये कहता हूं कि छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, उन्होंने चौथे गुणस्थान वालों की क्रिटिसाइज नहीं किया, चौथे गुणस्थान में क्या रखा है, सम्यक में क्या रखा है, चारित्र अंगीकार कर ऐसा नहीं, लेकिन वो छठवें सातवें में, और उन्होंने इंपॉर्टेंट किसका बताया, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव, जो 38 गाथा अनादि का जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव है वो प्रतिबुद्ध कैसे होवे, भावक भाव और गे भाव से भेद विज्ञान कैसे होवे, तो मुट्ठी में रखा हुआ सुवर्ण जो सब बात बताई ना, तो सम्यक दृष्टि की एक एक जगह, एक एक अधिकार आप उठा के देखे तो आपको मालूम पड़ेगा, सब जगह ये बताया कि जो करता है वो ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता है वो करता है, सम्यक दृष्टि की बात सब जगह आई। और कल बताया था ना, सम्यक तो हो गया उसी वक्त, साढ़े चार परावर्तन तो निकल गए, बाकी खोटी गतियों में जाना बंद हो गया, जरा तो वैमानिक में फिर आया, फिर वैमानिक में फिर मोक्ष में चला जाएगा, वंदी तो सब सिद्ध में शामिल हो जाएगा। इससे बढ़िया दुनिया में और अभी ये हुंडा सर्पिणी निकृष्ट काल में इतनी सर्वोत्कृष्ट बात सुनने को मिलना, वो कोई असाधारण पुण्य हो तो ही संभव है भाई। बाकी पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा, एक मंदिर बनाओ, एक भगवान विराजमान कर दो, एक विधान कराओ, हाँ एक यार मैंने पूरे परिवार को दो दफे सम्मेलन शिखर की यात्रा कराई, हाँ तो लोग ऐसे मिल जाएंगे, आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बड़े धर्मात्मा हो, ऐसा जो श्रीमद जी ने कहा ना
ये साधन बार अनंत कियो, तदपि हाथ हजू कछु न धारयो। ये प्रकार के, क्योंकि प्रसिद्ध गाथा है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार, किसकी बात है ये? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को किसकी बात है मेरी? वो कहां लिखा है? छह डाला की पहली डाल में लिखा ना, क्या लिखा? ताश भ्रमण की, ये मेरे परिभ्रमण की कथा है। तो व्यवहार के लिस्ट टू, व्यवहार के लिस्ट को याद कर करके अपने को बड़ा मानता है ना, तो पूरे द्रव्यलिंग अंगीकार किया ना, उस वक्त के व्यवहार के लिस्ट को तू देख, देख वो व्यवहार के लिस्ट को, कौन सी बात रह गई, कौन सी बात रह गई? ये साधन बार अनंत कियो, तदपि हाथ हजू कछु ना धरयो। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से, क्या बाकी रह गया? यहां ये कह रहे हैं, गाथा का पाठ करके अपन पूर्ण करते हैं। आएगा स्क्रीन पे भाई? चलो छोड़ो, मैं बोल देता हूं, गाथा निकाल दो, गाथा तो पाठ कर ले, क्योंकि लाइट नहीं थी मैंने, मैंने बीच में ही बताया ना, ये पर्याय की लाइट बंद हो जाए ना, इसके पहले अंदर में लाइट वाला भगवान आत्मा को देख लेना भाई, लाइट वाला माने चैतन्य का चमत्कार को देख लेने का। और ये चैतन्य चमत्कार को जिसने देख लिया ना, वो मुनिराज रात्रि के अंधेरे में गिरी गुफा में रहते अंदर में, तो बोलो उनको दिन में या रात्रि में, मुनिराज को रात्रि का अंधकार, दिन का अंधकार, के मुनिराज कहते हमें तो 24 घंटा उजाला ही उजाला है, 24 घंटा ला उजाला ही उजाला है। ये तो अंधकार और उजाला, ये तो पुद्गल के पर्याय का खेल है। इसलिए समुच्चय पूजन में अपन बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया पंक्ति है ना, जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायप ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। करो तो सही, इसका अर्थ शांति से करना, अपना समय हो गया है। दोनों पंक्ति का भाव समझना, कितनी गंभीरता है उसमें, पाठ कर लेते हैं इसका, आ गया ना। जारी सिया सिद्ध पवमल्लिय जीव तारी सा होती, या दशा सिद्धात्मानो जीवास्ता दशा भवन्ति, अष्ट गुणालंकृता येन है सिद्ध जैसे जीवत्यों भवलीन संसारी वही। लोग में सब कहते हैं ना कि आप कोई मंत्र बताओ, मंत्र बताओ, आप कोई मंत्र जानते हो? मंत्र जानते, हाँ जानते हैं ना मंत्र, ये मंत्र और कौन सा मंत्र है भगवान बनने के, ये तो मंत्र है, उसको एक मंत्र की लुप्त, मंत्र मंत्र तो ये मंत्र है ना। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय शैलेश भाई जी उनका व्याख्यान सम्यक दर्शन की मोक्ष मार्ग में क्या महिमा है और सम्यक दर्शन प्राप्त